हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अपन आ चुके हैं अपना नया व्लॉग के साथ, जो कि हमारा सेकंड व्लॉग होने वाला है। तो आज के व्लॉग में अपन क्या करने वाले हैं, अभी मेरे को भी आइडिया नहीं अपन क्या करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा काम है तो अभी अपन चलते हैं। ये रहा अपना मास्क, चलो चलते हैं। तो ये रही हमारी साइकिल, ये हमारी बहन की साइकिल, ये हमारे भैया की साइकिल, जो कि अब नहीं चलती। ताला क्यों लगा रे बाबा, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, फाइनली खोल दे। ओ भाई, अब इसको लगा देंगे अपन, इधर डाल देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। वैस किसी को बताना, इधर पढ़ने चाबी रखती है। तो लेट्स गो। फाइनली लेके आ चुके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो लेट्स गो। करने वाले हैं तो चलो अपन बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, तो उसके लिए ब्लॉग में बने रहिए। तो बन चुकी है, अभी अपन इसका क्या करने वाले हैं देखते हैं। अयो, गलत सीन हो गया गाइस, थोड़ा लेफ्ट से राइट हो गया था। अरे अरे, लेफ्ट से राइट हो गया था, लेफ्ट से राइट। धन्यवाद, ये हमारे दादी जी, दादियों पे अच्छा। ओके ओके ओके, गर्मी से बना रहे हैं मैगी पिज्जा, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, शौक चढ़ा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा बनता है। पहली बात तो ये है, अभी इसको अपन सूखने के लिए रख दे रहे हैं, तो जब सूख जाएगी अपन एक प्लेट में रख देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कैसा बनेगा फिर अपन बताते हैं। पहले तो बना ले, पहले मेहनत का काम। चल बड़ा पिज्जा खाने को मिलेगा। अभी ये बनाया है वो किचन में, तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन टेस्ट कर लेते हैं, मतलब अपन ने भी मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है, तो टेस्ट करके देखते हैं ना कि अच्छी बनी है या नहीं। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे अपन, साइड से निकाल लेंगे, इतना ही टेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। टेस्ट में तो अच्छी है, अब इसका जब पिज़्ज़ा बनेगा वो कैसा होगा, वो फुली अच्छा हो, पहली बार बना रहे हैं। अपन के पास है जो जो अपन उसमें डालेंगे, फिर हमारे चिली फ्लेक्स, अरे देख लो ये चिली फ्लेक्स है डब्बा अभी, एंड ये रहा चीज, ये रहा प्याज, और ये हमारे बेबी कॉर्न हो रहे हैं जिसको कि अभी वो फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद उसमें डालेंगे, फिर देखते हैं कैसा लगता है। ये बन जम तो गया, लेकिन वो ज़्यादा ही जम गया एक्चुअली अंडे के रखने में। तो इस पर अभी पहले तवे पे अपन थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और उसके बाद इसको अपन डालते हैं, तो देखते हैं। पहले तो निकालना है, सबसे बड़ा टास्क होने वाला है, इसको कैसे निकालेंगे। अगर ये टूटा तो मतलब समझ जाओ हमारी जो पिज़्ज़ा की जो ब्रेड होती है वो टूट गई। अब पिज़्ज़ा भी टूटा हुआ फिर खाना पड़ेगा। अब सब हमारे बावर्ची, हमारी बहन के ऊपर डिपेंड करता, देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। इसने पूरी प्लेट ही पलट दी उसके ऊपर। चलो वो तो गया कम से कम, मेरे को कैसा है बड़ा बात। अरे लेकिन उल्टा रख दी, इधर सीधा रखती तो और बेटर रहता, उसको पलट दे। चल तो फिर रहने दे, ऐसे भी ठीक है क्योंकि ये तो और अच्छे से, इसका इतने से अच्छा ही है क्योंकि ये थोड़ा और मतलब वो हो गया ना टाइट सा, वो है ना, तो और ज्यादा बेटर ही रहेगा। अब इसके ऊपर सौंस डाल दिए, इसको थोड़ा अच्छे से मिला देंगे अपन ऊपर से।
दाल ना दाल ना, मतलब एक ही डाली उसके चार टुकड़े टुकड़े करके, बस थोड़ा ऐसा लगी भड़ा भड़ा लग रहा है। और क्योंकि अपने पास कैप्सिकम भी है नहीं, तो अपन प्याज ही डालने वाले हैं, जो कि प्याज रेडी हो चुकी है एंड चीज ऑरिगैनो। अरे छोटे छोटे काट यार, बड़े बड़े डाले की तो अपना जो पिज्जा का मन है ना, पिज्जा का तो पता नहीं मिर्ची मिर्ची हो जाएंगे अपन, फिर हो जाएगा पैसा। मीठी मिर्ची है, चल तो फिर डाल दे, तो फिर कोई चिंता ही बात ही नहीं है, वो मेरे छा लेते ना, तो इसलिए मैंने बोला वरना सीन हो जाता। ये तो पूरा रेडी हो चुका है, अब बस इसको थोड़ा सा बेक करना है, और मतलब एक प्लेट रख देंगे ऊपर से एंड गैस ऑन कर देंगे, फिर देखते हैं कैसा लगता है। अभी तक हमने सब कुछ कर लिया, देखने तो काफ़ी ओपी लग रहा है यार, मतलब बन जाएगा तो कैसा लगेगा कोई आइडिया नहीं, पहली बार बना रहे हैं, लेकिन भाई मुँह में पानी तो अभी से आ रहा है, और जिस जिसको मुँह में पानी आ रहा है वो कमेंट्स में जाओ लिखो कैसा लग रहा है। ओ भाई साहब, चलो अभी अपन को बस अभी इसका वेट करना है। चलो अरे जल गया, चलो जल गया, अब जब बन जाता है फिर अपन दिखाते कैसा लगता है कि कितना बन गया। देख के वो पूरा बर्बाद ना, कपड़ा ले लेना। अब उठा, एक काम कर, इसको धक्का मारो और उससे उठा। चल ये भी ठीक है, स्मेल थोड़ा हुआ है, थोड़ा सा और होने देना, जला तो खुशबू तो एकदम पिज्जा जैसी आ रही है, कुछ भी कहो भाई खुशबू इतनी ओपी आ रही है ना, अब मैं बता नहीं सकता। तो होपफुली अब बन गया होगा, बन गया क्या, चलो काफ़ी है, चीज़ तो मेल्ट हो चुकी है, जो कि मेन काम था अपना वही। क्या लग रहा है भाई साहब, एक सिनेमेटिक शॉट तो बनता है, सिनेमेटिक शॉट इन 1-2। निकालते हैं, देखें तो काफ़ी ओपी लग रहा है, बस अच्छे से निकाल ले, उसमें निकाल ले, वो ज़्यादा ताज़ा ताज़ा लग रहा है, थोड़ी बड़ी प्लेट है तो ईजी रहेगा। हाई ये पूरा पिज़्ज़ा ही लग रहा है कसम से, बस अगर मैगी पिज़्ज़ा, तो वैसे हमारा मैगी पिज़्ज़ा सक्सेसफुली बन तो गया है, तो इसी बात वीडियो को भी लाइक कर दो। बांगड़ा चल रहा है यहाँ पे अभी, तो अब इसको बस काटेंगे और फिर टेस्ट करेंगे और सबका रिएक्शन लेंगे कि कैसा लगा। रिएक्शन देने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, मैं मॉम एंड हमारी प्यारी बहना जिसने बनाया, तो चलो देखते हैं। गाइस अपन को हथियार मिल चुका है काटने के लिए, इसका गला नहीं पिज़्ज़ा, हमारा हथियार है आज का जो कि हमें काटने में हेल्प करेगा पिज़्ज़ा। चलो धो लेंगे अपन, भले इन कसम से पिज़्ज़ा की स्मेल आ रही है पूरी पूरी कसम से, रहा नहीं जा रहा जल्दी काट, गैस तो बंद कर देती। कैसे करना ऐसे? अच्छा नहीं मेरे को लगा, नहीं वो मेरे को लगा तेरा थोड़ा अलग सिस्टम है, थोड़ा राइट हो गया, वो राइट करना था तो लेफ्ट हो गया। अभी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। ओ भाई क्या गरम है भाई साहब, वाह
भूख भी लग रहा है, काफी सही लग रहा है यकीन मानो। मतलब बेबी कॉर्न का भी अच्छा स्वाद आ रहा है एंड मेन आ रहा है चीज एंड ऑरिगैनो का स्वाद, उसमें इसमें मस्त फ्लेवर डाला है मजा। अभी तेरे को कैसा लगा, मस्त लग रहा है? चलो भाई साहब, उम्मीद आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा जो कि आपने होपफुली पूरा देखा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, मतलब व्लॉग को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, और नोटिफिकेशन कॉल पर कर लेना क्योंकि अपन रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं, व्लॉग्स नहीं डालते रेगुलर। देखते हैं अगर व्लॉग्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है तो अपन रेगुलर डालने का भी देखते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए तो इतना ही था, मतलब अभी तो मैं दूसरे दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल तो भाई लाइट वगैरह चली गई तो अपन कुछ कर नहीं पाए थे, तो फिर भाई समझ जाओ यार गर्मी में क्या करता। तो अभी एडिटिंग हो चुकी है ब्लॉग के, अभी कुछ 1 बज रहा है, आप लोग कड़ी ब्लॉग को देख रहे होंगे 7 या 7:30 बजे, पता नहीं, अपलोड तो मैं तभी करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।